मेरा नाम एबी व्हाइट क्लाउड है। ये सोचकर मुझे खुद पर चिढ़ आती है कि मैं 22 साल की ऐसी मेंढक हूँ जो टेक्सस के फॉसिल रिज नाम के एक छोटे से कुएं में पड़ी हूँ, जहाँ मेरे सपनों के लिए कोई जगह नहीं। यह नाम के लिए गैस स्टेशन तो है, पर गैस और पेट्रोल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे करीबी शहर एबिलिन, जिस पे मेरा नाम रखा गया है, और वो भी यहाँ से कोसों दूर है। मैं जल्द से जल्द इस नर्क से निकलकर एक फेमस सिंगर बनना चाहती हूँ। मेरी माँ के मुताबिक मैं चीफ कोचीज की ही संतान हूँ। मेरी माँ हमारे कबीले की रक्षक थी। वो कहती थी कि मैं अपने पिता की तरह ही जिद्दी हूँ, और शायद मेरे अंदर तीरंदाजी की कला भी उनसे ही आई है। 6 महीने पहले मेरी माँ जंगल में कुल देवता से हमारी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन उसने प्रार्थना नहीं सुनी। बेत मुझ पे गुस्सा ना करे, पर भड़केगी तो जरूर। जल्दी से खिलाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बेत मुझे ही निगल जाए। खाना लाया हूं, प्लीज खा लो बेत। ओ बेत, क्यों बिना वजह गुस्सा कर रही हो? क्या तुम मुझे भूल गई हो? ओ बेत, क्या तुम अपने पापा के साथ ऐसा करोगी? जब तुम इतनी छोटी सी थी, मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाता था। तुम्हें याद तो है ना बेत? प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। उस समय तुम कूदते कूदते अक्सर मेरे बेड पर आ जाती थी। तुम्हें याद तो है ना कि इस बात को लेकर कैसे मेरी बीवी मुझ पर भड़क जाती थी और चिल्लाते हुए मुझ पर कैसे बर्तन फेंका करती थी, पर कितनी आसानी से वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। डालास सिटी से बाहर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वहां की पुलिस अब भी जांच में जुटी हुई है, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बारे में आगे की जानकारी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अभी तुम लेट हो गई हो, जल्दी आओ यहाँ। और हाँ, तुम्हारे लिए बाहर पैकेट में एक गिफ्ट है। अरे यार, आज का दिन ही खराब है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल मैं तुम लोगों से पूछने वाला हूं। और वो सवाल ये है कि हम बंदर से इंसान आखिर कब बने थे? बस लास्ट नाइट बेबी। मिस्टर यंग, यस सर, इस टॉपिक पर सब तैयारी करो, कल एंडरसन हॉल में डिबेट होने वाला है। समझ गए? तो मिस्टर यंग ने जो आंसर दिया लास्ट नाइट,
अब सवाल यह है कि लास्ट नाइट को आखिर हुआ क्या कि बंदर पैरों पे खड़ा होकर इंसान बना। चलन, आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे मत कर, चलन। तो बच्चों बैक टू आवर क्वेश्चन कि आखिर हम बंदर से इंसान बने कैसे थे। शेल्डन, क्या मैंने डिसाइड कर लिया? बोला ना हम नहीं जा रहे, हम टाउस जा रहे हैं स्कीइंग करने। इस साल नहीं, चलो उस मुझे नहीं जाने, कुछ और सोचो। शेल्डन, कि आखिर उस समूह में क्यों रहने लगा? इट्स सो सिंपल। अरे सुन, सर्वाइवल। क्या गाड़ी खराब हो गई अभी? हाँ, बिली वैन के यहां जा रही हूं। बिली वैन? थैंक्स। पता नहीं मेरी माँ को ये खटारा इतनी क्यों पसंद थी। वैसे आपकी नजर में कोई खरीदार है? मैं अपना घर बेचकर जल्द से जल्द इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये प्रोफेसर ना, तुझे पक्का ना फेल कर देगा प्रोफेसर, उसकी खिंचाई ना बंद कर। तू ऐसे बात कर रहा है जैसे सारी मेरी गलती है। मेरी बात मान, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। सरे हम लूट रहे हैं लोगों को। मुझे तो इस कॉलेज वॉलेज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सुन, तुझे पता है लोग कॉलेज क्यों आते हैं? मैं बताता हूँ इनके लिए। देख रहा है, यही तो है जिंदगी का मीनिंग। खाओ पियो, इनके साथ बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा होंगे तभी तो कॉलेज जाएंगे। नेचर है भाई, सब नेचर है। अबे साले, तू मेरी मॉम की कार के साथ कर क्या रहा है? शांत शांत, तेरे लिए एक सरप्राइज है, देख कार के पीछे। नहीं 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 नहीं, हम इसे अपनी ट्रिप पे नहीं ले जा सकते। नहीं, ये नहीं होगा, तू पागल हो गया क्या? सरप्राइज? ओह नो। अबे ये हाथी। हे शेल्डन, हे लुकास। हाथी अपना साथी है यार। अच्छा ठीक है, अब ये सोच, आज की रात तू और मैं टाउ माउंटेन्स की रिजॉर्ट के एक बड़े से कमरे के अंदर चार लड़कियों के साथ पियर शियर डांस मस्ती और रोमांस। क्यों? क्योंकि मैं एक लव मैग्नेट हूँ, लड़कियां खींची चली आती है मेरे पास। बोल चलेगा? तेरा रथ भी तैयार है। पका मत यार। मैं पका रहा हूँ साले, हम टाउ जा रहे हैं। My ambulance, क्या खूब मजा तेरी देखी ambulance। अरे सुन, हमें वो वाला सीक्रेट आइटम और चाहिए। खरगोश? तुमने सुना ना, मुझे गिलहरी, वो वाली गिलहरी चाहिए। सुना ना तुमने? बड़ी वाली गिलहरी? कुछ भी करो, बड़ी वाली। वो वाली गिलहरी, बड़ी वाली गिलहरी। अब जाओ जाओ यहाँ से। कितना हसीन मौका है, तुझे किसने रोका है? मैं तंग आ चुकी हूँ इस सब से बिली। I'm sorry, तुमने कुछ कहा मुझसे? आज से मैं ये सब नहीं पहनने वाली। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक ट्रक खरीदा था। माफ करना, वो अब नहीं रही, पर अब भी तुम्हें कुछ किस्तें देनी बाकी हैं। तो जब तक तू अपने नाजुक हाथों से मेरी गाड़ी चला रही है,
तुझे वही पहनना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। अब जाओ और टेबल नंबर 4 को सर्व करो, जाओ। हे, सुनो, तुम ही उस पागल डॉक्टर को संभाल सकती हो, वैसे भी वो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पाएगा, समझी? हाय, कैसे हैं आप लोग? पता है आप लोग बहुत ही लकी हैं, बहुत ही लकी। आज आप लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं लिटिल विली और उनकी हसीनाएं। 1, 2, 1, 2, 3, 4। चॉकलेट, बटरस्कॉच खाएं और खूब मजे उड़ाएं। चॉकलेट, बटरस्कॉच खाएं और मजे उड़ाएं। बात मेरी मान लो मेरी बात। ये बहुत गलत है, देखो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ तो जा, मिलिट्री को भी बुला ले। ओ, अब तो गए काम से। हम निकल ही रहे हैं। चलो। हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो तुम्हें लव लेटर लिखेगी, फोन भी करेगी, एसएमएस करेगी, ईमेल करेगी। हाँ, चलना। टाटा। मैं हूँ लव मैग्नेट, लव मैग्नेट। अबे मैं हूँ लव मैग्नेट, लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं। लुकस, हम जा कहाँ रहे हैं यार? अरे चुप करना यार, बहुत ठंडा है तू। बेटा मैं एक लौता पीस हूँ, लड़कियाँ खुद आकर चिपक जाती हैं। अबे हाथी अपना पिछवाड़ा तो संभाल यार। ओह शिट। भाई मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं 200 साल भी जिया ना तो भी अपना अट्रैक्शन कम नहीं होगा। कुछ भी? हाँ कुछ भी नहीं बे, माय अट्रैक्शन। सच में खुद को तू 30 मार का समझता है ना? कोई शक है तुझे? शक तो है, दूर करूं क्या? ए लुकास, बहुत सही, क्या लपेटा यार। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि तेरी लाइफ का मकसद लौंडियाबाजी है ना? सही समझा। मार्कस, व्हाट्स अप? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। ईमेल्स भी चेक नहीं किए थे, अभी कर लेता हूं। समझ गया, कॉल करता हूं। क्या बात है? एक मर्डर हुआ है टेक्सास में, फॉसिल रिज नाम की जगह पर। मामला थोड़ा अजीब है। वो कैसे? उन्हें बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, किसी जानवर ने मारा है, किसी बड़े जानवर ने, पर पता नहीं कौन सा। क्या है, फिर से कोई मिस्टीरियस अटैक? क्या, जब भी कोई बेवकूफ बेवड़े को कोई पागल कुत्ता मार देता है तो हवा बना देते हैं कि एलियन आ गया और परेशान करते हैं। अच्छा, अगर ये लोग हमें परेशान नहीं करेंगे तो अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुम इन सब बातों को मानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मानूं। तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया? मुझे सजा मिली है, मैंने चीप की बेटी को पटाया था, साले ने इस वीराने में ट्रांसफर कर दिया। अगर तुम्हें ये जगह वीराना लगता है तो तैयार हो जाओ जहन्नुम के सफर के लिए। वी आर ड्राइविंग। ड्राइविंग? क्योंकि यहां से 200 मील दूर तक कोई एयरपोर्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, परफेक्ट। चलो बस जिंदा पहुंच जाए। I love this commercial. And I love you too, Josie baby. You love everything. तू चुप कर कमीनी, तुझे देखकर लगता है जो तूने पहना है वो भी चोर बाजार से खरीदा है। सुना विली? रास्ते में कोई वैश्य खाना दिखे तो याद से रोकना, इस कमीनी को वहीं छोड़ देंगे, इसके लिए वही सही होगा। Girls, मेरी फुलझड़ी, पागल मत बनो, चुपचाप बैठी रहो। जोशी को क्यों उंगली कर रही हो? आई लव यू जोशी, आई लव यू बेबी। अब उसे छेड़ना बंद करो। अभी के अभी। मैं सच कहूँ ना तो इन कपड़ों में बिल्कुल काली कुतिया लग रही है, सच पूछ। देख मैं जैसी हूँ तुझसे बहुत बेटर हूँ, कम से कम इन कपड़ों में तेरी तरह वैश्या नहीं लग रही, वरना तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? ओ, सुनो लड़कियों, हम मेले जा रहे हैं, वहाँ बीच पर मस्त धमाल करेंगे, बॉडी टैन करेंगे, बहुत मजा आएगा। ल्यूकस, बोल भाई। तुझे पता भी है कि डीजल खत्म होने वाला है? सच्ची? निकलने से पहले डीजल क्यों नहीं भरवाया? पिछली बार तेरे पास काफी पैसे थे, इस बार कितने लाया? तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या पूरी ट्रिप का खर्चा मैं भरूं? बिल्कुल। बहुत बड़ा कमीना है तू। सच्चे दोस्त कमीने ही तो होते। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? क्या? अब मैं अगले पेट्रोल पंप पे रुकने वाला हूँ, वहाँ मैं सबके लिए लॉलीपॉप खरीदूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है।
I love lollipop. तुझे मतलब भी समझ आया? हाँ लॉलीपॉप ना। बेवकूफ लड़की, वो क्यूट लड़कों की बात कर रहा है। I like cute guys also. मुझे भी कौले लौंडे बहुत पसंद है, गोरे गोरे चिकने लौंडे। मुझे और जोशी दोनों को ही पसंद है। थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, मोटे साले, क्या हाथी गरम हवा छोड़ रहा है मेरे सिर पे बैठकर। ये मैं हूँ, सूंघा तुम लोगों ने? क्या है बदबू? हाँ, 20 मिनट में पहुंच ही रहे हैं, मिलते हैं। CSI ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है, याद रखना जब हम वहां पहुंचेंगे तो। ओह गॉड, क्या तुमने? नहीं। खतरनाक बदबू है यार, इन जगहों से हमेशा ऐसी सड़ी हुई बदबू क्यों आती है? ए भगवान, ये मेरा काम नहीं है। तूने मेरे हाथ नहीं मारा यार, डॉल चला रही। नहीं भाई नहीं, सड़ा हुआ कुत्ता खाया है क्या बे? झोंके को बचपन से पहचानता हूँ और ये मेरा झोंका नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ यार। क्रिस्टीना? ऑफिसर्स, तो कैसा रहा सफर? मत पूछो। ओके। कैसे हैं आप लोग? मैं ऑफिसर मॉर्गन। मैं डेप्यूटी जोन्स। ऑफिसर्स, मैं हूँ स्पेशल एजेंट लोगन और यह है जोसेफ। स्पेशल एजेंट जोसेफ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। जांच पड़ताल से कुछ पता चला या नहीं? नहीं। मेरी अब तक की ड्यूटी में मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। हालांकि हमने कई अजीब घटनाएं देखी हैं, जैसा कि लापता भेड़ बकरियां जिनका कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला, कभी भी नहीं। पर इस केस में He's right. ये घटना बहुत अजीब है। दांतों के निशान से किसी बड़े जंगली जानवर के होने की आशंका है। जंगली जानवर मतलब सुअर, भेड़िये? श्योर, अगर भेड़िया 10 फीट ऊंचा हो। हमें नदी के किनारे कुछ अजीबोगरीब पंजों के निशान मिले हैं, अगर आप उसे पंजा मानना चाहो तो क्या वो आदमखोर है? नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि DNA और बाकी कई टेस्ट करना बाकी है। चलिए मैं आपको बाकी की जानकारी देती हूँ। ये बॉडी पार्ट अफ्रीकन अमेरिकन मूल का लग रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कितनी सफाई से इस पार्ट को बॉडी से अलग किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये पंजों के निशान किसी भेड़िये के नहीं लग रहे हैं। क्या सर दर्द है? हाँ, समझ सकती हूँ। भेड़िये को शिकार चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लगता है डॉक्टर केन है। क्यों, शिकार करके आ रहे हैं डॉक्टर? नया कोल्ड स्टोरेज लगाया है, इसीलिए मुझे ढेर सारा डीजल चाहिए जनरेटर के लिए। है, सुनो एबी, लगता है डॉक्टर केन की विंडशील्ड को धुलाई की जरूरत है। और जैसा कि तुम जानती हो, बिली वेन स्वाइन एंड डाइन में कस्टमर को कभी ना नहीं बोला जाता। कमाल है। तुम्हें क्या लगता है, लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर किसी खूंखार आदमखोर को पाल रहा है, ये पागलपन नहीं है? अच्छा ऑफिसर्स, लगता है हमें कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्टेशन के करीब एक लॉज है। ग्रेट, देखिए यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। डोंट वरी ऑफिसर, ये बात गुप्त ही रहेगी।
मैं वापस क्वांटिको जा रही हूँ। यहाँ से जो मिलना था मिल गया, बाकी का काम लैब का है। कल सुबह जब तक हमारे आदमी नहीं आते तब तक ये जगह निगरानी में रहनी चाहिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट। एबी, तुम्हें पता है अभी सारी जिंदगी रिसर्च मेरे लिए एक जुनून रहा है, और अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन अपने रिसर्च का रिजल्ट दुनिया को दिखा सकूं। अभी जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है, तुम जो कुछ भी करना चाहो उसमें अपना बेस्ट देना। अपना ख्याल रखिए डॉक्टर खेन। कैसे हैं ऑफिसर्स, क्या लेंगे आप लोग? बस कॉफी। मुझे भी। वैसे आप लोग हैं कहाँ से? नहीं बस हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। समझ गई, उस मर्डर की जांच के लिए आए हैं। हाँ रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। रूटीन तो नहीं हो सकता, यहाँ सबको मालूम है कि क्या मामला है। क्या मतलब? चेरी एन, इनको तो पता चलने ही वाला है। चेरी एन इधर आओ, मुझे बात करनी है। इन लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। खामखा ये लोग हमें टॉर्चर कर देंगे। जाओ और उन्हें सिर्फ सर्व करना, कुछ बोलना मत, समझी तुम? देखिए कॉफी के अलावा कुछ मत पूछिएगा। कहा तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। मैं होती तो डॉक्टर केन के पास जाती। बहुत हुआ, चुप भी करो तुम। आप लोग और कुछ लेंगे या हो गया? चिकन फ्राइड स्टिक। सेम। बहुत बढ़िया। नहीं धुआ, नहीं 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 नहीं, अभी खराब मत होना प्लीज, अभी खराब मत होना मेरी जान, अभी मुझे एले पहुंचना है। तुम्हारा ही मिली। अच्छा तुम्हें मैनिक्योर पेडिक्योर करना है ना? कर दूंगा प्लीज, नाराज मत होना, मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, गुस्सा मत होना डाली। अरे देखो वो देखो, कोई शेर पीछे छूट गया। यहाँ मामला कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीने में 3 लोग गायब हो चुके हैं। बस इतना ही नहीं, 7 कुत्ते और डजन भर से ज्यादा भेड़ बकरियां। ये जरूर कोई खूंखार जानवर है। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने देखा कि मामला पेचीदा है? क्या मतलब है तुम्हारा, ये कोई भूत प्रेत का मामला है? मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा जैसे? सुन रहा हूं मैं। एलियंस? हे भगवान। अरे वो वाले एलियन नहीं, लीगल एलियंस या ड्रग रनर्स। 6 इंच लंबे दांत वाले ड्रग रनर्स जो इंसानों को खाते हैं। कम ऑन मैन, हमें इसकी तह तक जाकर बारीकी से छानबीन करनी होगी। उस वेट्रेस ने किसी डॉक्टर केन का नाम लिया था ना, कल सुबह पहले वहीं चलते हैं। भाई ठंडरक, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तेरी ही गलती है। अगर ये बात तूने पहले ही मान ली होती कि डीजल खत्म हो रहा है तो ये नौबत ही नहीं आती। ये देख अपना नसीब अच्छा है, फॉसिल रिच छोटा शहर लगता है, कोई पेट्रोल पंप तो होगा ही। चल हाथी धक्का मार, बस आ गया पेट्रोल। यार आखिर ये है कौन सी जगह? अरे इसके कपड़ों पे खून क्यों लगा है?
मेरी तो वाट लगाती। ए ब्रो, देख रहा है तू क्या हॉट माल है, सो सेक्सी। शट अप, उतर के डीजल भरवा। क्या क्या चाहिए लड़को? क्या तुम बेली वेन का फेमस पोर्क खाने आए हो? अभी भी थोड़ा बचा है। नहीं, हमें सिर्फ डीजल भरवाना है। तो तुम लोग कुछ खाओगे नहीं? और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, हमें सिर्फ डीजल चाहिए और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लगता है तुम लोग यहाँ से आगे जा नहीं पाओगे। क्या मतलब आपका, हमें सिर्फ डीजल चाहिए? अरे अंकल, हमारी राम प्यारी प्यासी है। तुम्हारी किस्मत खराब है। इस खड़ूस के कहने का मतलब है कि डीजल खत्म हो गया है। ये नाटक मंडली यहां। ये जगह कितनी अच्छी है, हम कितने लकी हैं। ये जगह है? क्या लड़की है। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या आपके पास कोई मैकेनिक टाइप आदमी है? एक्चुअली ना, हमारी बस खराब हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है और हमारा बहुत बड़ा शो है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। क्या तुम ही वो मैकेनिक टाइप आदमी हो जिसकी मुझे तलाश है? बिल्कुल नहीं, हमें तो सिर्फ डीजल चाहिए मैन। तो प्रॉब्लम क्या है, डीजल के साथ ऑयल भी चाहिए क्या तुम्हें, हैंडसम मैकेनिक? नो, यहाँ डीजल खत्म हो गया है। खत्म हो गया? क्या मतलब डीजल खत्म हो गया? कैसा है पेट्रोल पंप है यहाँ, डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है? हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी आवाज है? ये आवाज उस बुढ़े डॉक्टर केन के यहाँ से आ रही है। लोगों का कहना है कि वो पागल किसी 20 फीट ऊंचे आदमखोर जानवर को पाल रहा है। ऐसी अफवाह है कि उसे उसके इस ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट की वजह से एक बड़े शहर से निकाल दिया गया था। वही पागल सारा डीजल पेट्रोल लेके चला गया है। गुड नाइट। गुड नाइट क्या मतलब गुड नाइट? क्या हमें पूरी रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी? है बे, तुम ताला लगा देना और ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी अंकल, लेकिन हम लोग सोने वाले कहाँ हैं? तुम्हारा टूर बस है ना, उसी में सो जाना। रुको 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 रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, तुम ताला लगा देना। अरे अरे प्लीज, अरे रुको, अरे तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज वेट, हाँ तुम कहाँ जा रही हो? अपनी कार में जा रही हूँ। तुम्हारे पास कार है? हाँ, पर खराब है। अरे अरे सुनो तो, ये बताओ कि ये डॉक्टर कौन है और ये रहते कहाँ? डॉक्टर केन बड़े शांत आदमी हैं, उन्हें पसंद नहीं कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं नहीं, तुम समझने की कोशिश करो, हमें वहाँ लेके चलो। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा डीजल दे दे कि हम यहाँ से निकल सकें। प्लीज हमें वहाँ लेके चलो, हमें मदद की जरूरत है। प्लीज। ठीक है, ओके चलो। Oh my God, तुम कितना अच्छा गाते हो लुकस। तुम्हें पता है कि मैंने अरे शेल्डन मेरे भाई, तुझे यकीन नहीं होगा, जोशी और मैं एक साथ पढ़ते थे, सेम क्लास समझा। वो मैडम का नाम क्या था, मिस मोनिका, मिस जेसिका। हाँ थैंक्स, यू आर वेलकम। इसका बाप जेल में, उसके बाहर आने का इंतजार कर रही है, समझा ना तू। देख भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या, मेरा वाला सामान किधर है? हाय, उस लड़की को देख रहा है तू? उसे छोड़कर मुझे यहाँ कोई भी सही नहीं लग रहा। बटर स्कॉच, ही लाइक्स यू। ओह गॉड, सुन तू एक काम कर, तू अकेले चला जा और तब तक मैं अपनी क्लासमेट के साथ मजे करता हूँ, मतलब प्यार मोहब्बत। प्लीज मेरी भावनाओं को समझ यार, मारने दे मौके पे चौका। हे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है?
मोटे चल, हम जा रहे हैं। ओके, तुम हमारे साथ चलोगी हमारी इस एडवेंचर पे? तुम हो मेरी जान, क्यों नहीं, my darling, खुशी से। आज तो बात बन गई। my Josie, oh, excuse me, मिस्टर मोटे भाई, तुम जा कहाँ रहे हो आखिर? उस पागल डॉक्टर से मिलने। ये कैसी आवाज आ रही है? जंगल के बीच सुनसान सड़क और हम चार लोग, कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा। देखो, हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। मैं कुछ बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम शेल्डन है और मैं आयरिश हूँ। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, समझी ना, फाइटिंग आयरिश। मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे, लेकिन इंसानों का इलाज नहीं करते थे। वो जो कुत्ते गधे वगैरह होते हैं ना, उनका करते थे। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी लाइफ बहुत मजे में कट रही है और तुम हम जैसों की तरह इस नर्क में नहीं सड़ रहे हो। प्लीज मुझ पे एक एहसान करोगे? बिल्कुल, क्या? शट अप। श्योर, फाइन। एटीट्यूड देख के तो लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, सही कहा ना? हेलो, क्या तुम तैयार हो? हाय, इट्स क्रिस्टीना। हाँ बताओ। जस्ट डीएनए रिपोर्ट आई है और उसमें एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? रिपोर्ट एकदम पुख्ता है पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। डीएनए टेस्ट के मुताबिक ये डायनासोर की प्रजाति हो सकती है। क्या बोला तुमने? बेटर नोन एज वेलोसिराप्टर। क्या कहा तुमने? मुझे लगा तुमने कहा रैप्टर। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि रैप्टर ही है, पर वो जो भी है रेप्टाइल प्रजाति का ही है, जिन्हें धरती से लुप्त हुए ऑलमोस्ट 75 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। हैरानी की बात है। मेरे लिए भी। मार्कस उस एरिया की घेराबंदी के लिए एक टीम भेज रहा है। ओके, गुड। एक बात और, ये जानवर रात में शिकार करते हैं और धरती के सबसे खूंखार शिकारी माने जाते हैं, तो तुम जो भी करो रात को बाहर मत निकलना। चलो बाय, दे आर कॉलिंग मी। बाद में बात करते हैं। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। तुम भी क्रिस्टीना, बाय। तुम मानोगे नहीं क्रिस्टीना ने क्या कहा। क्या? निकलते हैं। कौन हो तुम लोग? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहां से, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। डॉक्टर कीन, मैं अभी। हम आपको अंदर ले चलते हैं। चलो गाइस, ले चलो इन्हें। अबे मोटे, मदद कर, खड़ा क्या है? अरे ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैं यहीं बाहर रुका हूं। ये इस गार्डन की रक्षा करने वाले खतरनाक पक्षी हैं। तुम जानते हो ना वो जो शरीर से नोच नोच कर मांस खा जाते हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया एबी, पर तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से तुरंत निकल जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा? क्या मतलब इनका खतरे से? पर ये वो खतरा नहीं जिससे वो मोटू डर के भाग गया। डॉक्टर केन, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। क्या आप इस दर्द के लिए कोई दवाई लेते हैं? हाँ, ऊपर है ड्रॉअर में। ओके। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, अभी उसे खाना खिलाना बाकी है और वो भूख से बहुत गुस्से में होगी मुझ पर। मिसेस केन की तरह मुझे भी भूख लगने पर गुस्सा आता है, ये तो मिसेस केन नहीं हो सकती। मिसेस केन अब नहीं रही, उन्हें गुजरे काफी वक्त हो गया है। अगर ये अपनी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तुम कहां जा रही हो? ऊपर उनकी दवाई लेने। हेलो, कौन है वहां? ये क्रैकानोसोरस। डॉक्टर केन, क्या हमें थोड़ा सा डीजल मिल सकता है? इसकी माँ की आंख। अभी कुछ तो गड़बड़ है। ओ, ये बुड्ढा तो सच में ऊपर निकल लिया। गाइस, तुमको चलकर देखना चाहिए उन गंजे मुर्गों को, बुड्ढा मर गया क्या? I love you, my darling. I love you. मुझे लगता है कि तुम्हें एक रूम की जरूरत है। बिल्कुल सही समझे। चलो गाइस, चलो चलो, तुम लोगों को दिखाता हूँ राक्षस जैसे गंजे मुर्गे। इधर आओ, वो देखो। मैंने तो ऐसा मुर्गा कभी नहीं देखा। यहाँ से चलो, भागो यहाँ से। चलो, प्रेम रथ तैयार है।
भगवान, ऐसे मुर्गे तो मैंने भी आज तक नहीं देखे। और मोटे उनके दांत देखे? सन की बुड्ढे ने स्टेरॉइड्स खिला खिला के मुर्गों को मुस्टंडा बना दिया है। क्या बोलूं, इतना मजा किसी ट्रिप में नहीं आया। क्या हुआ? ओके गाइस, हम लोगों को यहाँ से अभी निकलना होगा। मैं तुम लोगों को और डराना नहीं चाहती, पर मैंने ऊपर कुछ और भी बहुत अजीब चीजें देखी हैं, बहुत ही अजीब। ऐसा भी क्या था? ना जानो तो ही बेहतर है, हमें और देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं अभी जाकर कार से टॉर्च लेकर आती हूँ। और तुम डीजल लेकर आना, कर लोगे ना? हाँ, ले के आता हूँ। और तुम यहीं रहना, यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं। दोस्तों, मुझे डीजल मिल गया। भरोसा नहीं तो देख लो, ये लो देखो। अरे वाह, लाइट जलाता हूं। अंदर और डीजल तो नहीं? टॉर्च भी ना। क्या हुआ? यही तो मुझे पसंद है, पहले चुम्मा, फिर चिपका चिपकी और फिर मूड बनाना। वो क्या होता है? ओह, ये हुई ना बात। वाह, क्या कमाल का घर है, यहाँ हम सेफ रहेंगे।
जब से पेट्रोल पंप से निकले तुम कंप्लेन करते जा रहे हो और मैं हूँ कि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। कौन सा हेल्प? तुम्हें लगता है कि तुम बड़े तीस मार खान हो, तो जाओ जाओ अकेले। फाइन फाइन, जाओ, बहुत हो गया। शेल्डन, देखो मुझे सच में नहीं पता कि वो खतरनाक चीज क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, पर इतना जरूर कह सकती हूं कि बाहर अंधेरे से तो मेरा घर ज्यादा सेफ है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। ओह, लगता है जैसे किसी का बॉयफ्रेंड आया है। वाह, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था, लेकिन अब तो एक के साथ एक फ्री मिल गई। यस बेबी, कैसी आवाजें हैं? बस भी करो, इसी तरह लगी रहोगी तो पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगी। मैं कहता हूँ तुम और वो लड़का इसी तरह लगी रहोगी तो इसी तरह ऊपर नीचे करते रहेंगे तो बस के साथ साथ धरती भी डोलने लगेगी। ये लड़कियां भी ना, इनका काम तो हो गया पर मेरा क्या करूँ, मेरे बदन में भी आग लगी हुई है। पता नहीं वो चिकना लड़का कहाँ था। अरे भोंकना बंद कर, क्यों बेसुरे सिंगर की तरह गला फाड़ रहा है? अरे यार मुझे बाथरूम तो जाने दे। रुक जा, बाथरूम जाने दे वरना पैंट गीली हो जाएगी यार। ओह यस बेबी, यस। अबे भोंकना बंद कर, बाहर आकर आइसक्रीम खिलाऊंगा। बाथरूम जाना जरूरी था यार, तेरा बाथरूम यूज कर रहा हूँ तो क्या हो गया, तेरा मेहमान हूँ ना। अभी भी भोंक रहा है, चुप हो जा। कौन है वहां? अबे जाना, मैं हूं, क्यों परेशान कर रहा है? कौन है वहां? कौन है? नहीं नहीं, यस यस, ओह यस यस, नो नो, यस यस। ओह बेबी, अच्छा हुआ वो अकेले चला गया। कौन चला गया? शेल्डन, वरना वो रंग में भंग डाल देता। आज तो मजा आ गया।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, असली मजा तो अब आएगा। ये क्या था? सॉरी, वो मेरी कमर, पर कोई बात नहीं, आई लाइक इट। अब तुम नहीं बचोगे। ओह शिट, शिट, नहीं, नहीं, नहीं। बड़ा सेफ सेफ बोल रही थी ना, देखा क्या हुआ तुम्हारे ठरकी बॉस के साथ, अब तो तुम्हें बुड्ढे से छुट्टी मिल गई। अगर उस जानवर ने हमें पकड़ लिया ना, तो हमारी भी उनके तरह हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तुम बता रही थी ना, तुमने उस पागल डॉक्टर के घर कुछ देखा था, है ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे पता चल सके ये जो जानवर सदियों पहले लुप्त हो चुके थे, ये वापस आकर हमारे जान के पीछे कैसे पड़ गए? आखिर तुमने देखा क्या, कुछ तो बताओ। नहीं देखा तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर गलती है तो तुम्हारी है। मेरी गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी वजह से डॉक्टर केन के यहाँ हम गए, इसी चक्कर में मेरा घर भी बर्बाद हो गया। तुम्हें घर की पड़ी है? और ये सब के वजह से मेरा दोस्त मर गया, उसका क्या? मेरा प्यारा दोस्त 400 किलो का, कितना खाया पिया था, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा से बना था, वो कमीना ब्लू डायनासोर, ब्लू जिला सब खा गया, और गलत तुम मुझे कह रही हो, मुझे? चुप रहो। मैं तो चली। अब तुम कहां से आ गए? नो, हम घूम फिर के फिर से वहीं आ गए। क्या तुम्हें ठीक से अपने शहर का रास्ता भी नहीं पता? शट अप। क्या? What?
मरते मरते बचे हो तुम मेरे हाथों से। अपने दोस्त को चुप कराओ अभी के अभी। लुकस, 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 मेरे भाई, भाई, क्या था? सुन मेरी बात, देख मेरी तरफ। लंबे मुंह वाला गंजा मुर्गा बंदर कुत्ता टकला। हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। हम पुलिस को फोन करते हैं। इस शहर में पुलिस स्टेशन नहीं है। वो। देखो अब हमारे पास एक ही रास्ता है। फटाफट बस में बैठो और निकलो यहां से। तेरी तो चल स्टार्ट हो जा। अब चालू हो जा। ओके ओके ओके, आज गाड़ियों के साथ मेरा दिन ही खराब है। ठीक है, मेरे सर पे मत चढ़ो और पीछे हटो। कौन है ये? हाँ खुद को समझती क्या है? गाड़ी स्टार्ट करो। ओ ओ अबे तेरी लग गई बात। मेरी मॉम की कार तो पेट्रोल पंप पे छूट गई। अब क्या करेंगे? अरे कुछ तो बताओ। कार लेने गए तो डायनासोर मार देगा और छोड़ दिया तो मॉम मार देगी। हेलो, रोना बंद कर, सबका मरना पक्का है। थैंक यू मिस सनशाइन हौसला बढ़ाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे इस सड़क पे तो बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं जाना उधर। हम फॉसिल रिज के बाईपास से होते हुए स्टेट हाईवे पर निकल जाएंगे। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये ईस्ट है या वेस्ट? ईस्ट। कैली में सुंदर लड़कियां मिलेंगी, माल फूकते हुए ईस्ट चलो। अबे मुंह बंद रख अपना और यहां से निकलने के बारे में सोच यार। इडियट। वाह क्या बात है, क्या खुशबू है इंजन के धुएं की। बस अब यही होना बाकी था। वाह क्या जिंदगी है, कहाँ फंस गया मैं। इससे अच्छा तो कॉलेज में रुका होता, प्रोफेसर की प्यारी प्यारी गालियां सुन रहा होता। पर नहीं, मुझे तो इस गधे के साथ यहाँ आना था अपनी वाट लगवाने के लिए। लग गई ना मेरी। शेल्डन शांत हो जाओ और बकवास मत करो। वो पीछे वाला दरवाजा बंद करो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात माने। तुम इन दोनों से क्यों कुछ नहीं बोलती? देखो तुम हमारी कैप्टन नहीं हो जो ऑर्डर देती रहती हो। चिल्ला क्यों रहे हो? शेल्डन जल्दी देख। ठीक है अब तो तुम खुश हो? ओ ओ ओ शिट। ओ शेल्डन ओ ओ ओ भागो, भागो,
भागो। शेल्डन, शेल्डन, चलो 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 चलो। अरे जल्दी खोलो। ये जगह तो मेरे घर की याद दिला रही है। वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मुझे लगता है ये जगह सेफ है। पीछे वाला दरवाजा बंद है ना? लुकस, अरे यार, ये तो रांच से ही हमारे पीछे है, और अब ये दूसरा, ये साला कहां से आ गया? लुकस, गए काम से। लुकस, 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 कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोच। तुझे आईडी चाहिए? हाँ हाँ, आके आके ले ले, तुझे तो बहुत पसंद है ना। आ ले ले, तुझे चाहिए ना। हाँ, आ ले ले, खा ले खा ले, ले ले, खा खा खा, ये ले जाना। मैंने कहा जा और ये चला गया। सच में तू ठीक है? लुकस, दरवाजा खोल, वो मेरे पीछे पड़ा है। अबे गधे, वो बाहर है और तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। खोल ना, खोल ना यार, पागल है क्या तू? आइटम है। देखो, वो रहा सामने। मौत पीछा करते करते यहां तक आ गई। ये तो ब्लू वाला है, साला ब्लू वाला सबसे खतरनाक। ओ।
मेरे पैसे बड़े वाले के ऊपर। नहीं नहीं, ये छोटे वाला ही हमारा डिनर करेगा, ब्लू वाला। तूने देखा नहीं बड़े वाले ने बस को कैसे खिलौने की तरह पलट दिया? भाई गलत फहमी छोड़, साइज सब कुछ नहीं होता यार। दिमाग तो ठीक है तेरा? अपना दोस्त, अपना हाथी। क्या हुआ अपने हाथी को? 7th क्लास का फुटबॉल मैच। थोड़ा थोड़ा 18 यार्ड स्प्रिंट। हाँ नहीं नहीं, क्या बोलूं यार, हम कार की तरफ भाग रहे थे, मैंने पीछे देखा और मोटू नहीं था। ऐसे कैसे 400 किलो का हाथी हवा में गायब हो गया? नहीं यार, वो भागते भागते डॉक्टर के घर के सामने पहुंच गया, और वो पक्षी फ्लेमिंगोस। क्या मतलब पक्षी, क्या बोल रहा है तू? उसने उस पक्षी की जगह उस ब्लू वाले से मरना बेटर समझा। चारों तरफ उसके बॉडी के चित्र उड़ रहे थे, वो भी मेरी आंखों के सामने। ओ नो, शायद ये मेगालासोरस है। ह्यूज, वेल एडवांस्ड, कार्निवोरस, कार्नासुरा फैमिली का खूंखार दानव। वो रंग नहीं पहचान पाते। ओ, लेकिन अब ओ, वो धरती पर, इस धरती पर 70 मिलियन ईयर्स यानी मिडिल जुरैसिक पीरियड, मतलब ये ब्लू वाला तो अभी बच्चा है, क्योंकि ये तो 30 फीट तक के होते हैं। इनको मारने का कोई तरीका लिखा है क्या बुक में? नहीं, पर यहाँ लिखा है कि ये मादा प्रजाति है। तुमने सुना? क्या आदा मादा? तुमने सुना खतरा? पर मादा क्या है? मतलब इनमें फीमेल ही बॉस होती है। ओह कुछ भी, मैं नहीं मानता ये सब बकवास। मैं तो ये गन निकाल रहा हूं, इससे लगाऊंगा उसकी वाट। असली चीज तो ये है। अबे झंडू, वो प्लास्टिक का खाक बचाएगा तुझे। ठंड रख, तू आखिर मर्द कब बनेगा साले? मैं तो बोलता हूँ उसकी पहन और चल मेरे साथ पहाड़ की ऊंचाइयों पर। याद है ना पहाड़ पे क्यों जाना है हमें? इसीलिए तो ट्रिप पर आए थे हम, पहाड़ से फिसलते हुए सीधे लड़कियों की गोद में। मत डर मेरे भाई, मेरी बात सुन, मेरी तरफ देख। ये छिपकलियां हमें लड़कियों की गोद में बैठने से नहीं रोक पाएंगी, समझा? क्योंकि मैं हूँ लव मैग्नेट। देख वो बड़ा वाला छोटे वाले में इंटरेस्टेड है, मतलब छोटी वाली फीमेल डायनासोर। यही मौका है मेरे भाई, वो बेवकूफ है इसलिए पहले भी खत्म हो चुके थे। हम इंसान है, ह्यूमंस गाइस, वी आर स्मार्ट। लुकस, क्या तुम बाहर गए ना तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम तो चुप ही रहो, तुम और तुम्हारे ठरकी बॉयफ्रेंड की वजह से हम यहाँ फंसे। लुकस अंदर आ बे। भाई तू डिसाइड कर ले, तू इस साली कमीनी की बात सुनेगा या अपने यार की? मैं हूँ लुकस, तेरा दोस्त, तेरा भाई, तेरा यार। इस खिलौने से तू क्या कर पाएगा लुकस? मैं उन सबकी आंखें फोड़ दूंगा। ओ, मुझे याद रखना। सॉरी शेल्डन फॉर लुकस। तुम कर क्या रही हो? फिशिंग कर रही हूँ। पागल है क्या? पता नहीं पर एक पकड़ ली।
कर उसे बचाना होगा। बिल्कुल नहीं, उनका नाश्ता बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। शायद हम यहाँ सेफ हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ये कमीनी अंदर घुस पाएगी आसानी से। हाँ।
अब तो गया, मेरा खेल खत्म। अब सिर्फ हम दो बचे। एक को मरना होगा और वो मैं हूं। माफ करना, मैंने अब तक तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया। Thanks, Mom. ये तुम्हारे लिए मॉम। मैं रहूंगी या तू कमीनी? आखिर ये था क्या, कोई भूकंप या कुछ और? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कोई धमाका था। चलो चलकर चेक करते हैं।
ऑफिसर्स, बस यही होना बाकी था। पर ये धमाका हुआ कैसे? पुरानी फैक्ट्री थी, लेकिन सुबह जो हमें फॉसिल रिज में मिला उसके आगे ही कुछ नहीं। बॉडी पार्ट्स, मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब है, लेकिन वो मुर्गे किसी भी एंगल से मुर्गे नहीं। दरअसल वो सच में डायनासोर सी थे, विशाल का है। मॉर्गन का है? वो आईबी के साथ है, वही एक है जो बच पाई है और हमें कुछ बता सकती है। वो रास्ते में है, मीडिया ने उन्हें घेर रखा है। थैंक्स। क्या ये वही डायनासोर है जो आसपास देखे गए हैं? देखिए देखिए, ये जुरासिक पार्क नहीं है, प्लीज फिल्मी कहानियां ना गढ़े। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए हुए मुर्गे थे जिन्होंने मासूम लोगों पे हमला कर दिया था। अगर आपको मसाला चाहिए तो कहीं और। नहीं नहीं, ये गलत है। अरे लोगों को हम बताएंगे क्या? नहीं, देखिए आप लोग रुकिए। जवाब दीजिए, बिना जवाब दिए ऐसे नहीं जा सकते। ये थी मेरी अब तक की कहानी। मैंने सारी घटना एफबीआई को बताई पर उन्होंने यकीन नहीं किया। शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक छोटे से गाँव की लड़की की बातें भरोसे लायक नहीं लगी। मुझे लगता है कि अब इस घटना को वो किसी जंगल के सुअर या चीते का आतंक बताकर भूल जाएंगे। एनीवे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पता है, मैंने डॉक्टर केन की दी हुई सलाह मान ली। मैं अपने पास्ट को भुलाकर अपना सपना पूरा करने की राह पर चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। To discover.